के अपने जिलाध्यक्ष बागला जिले के नेतृत्व में तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी के आह्वान पर जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश किसानों के पक्ष में पारित किए हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जिसमें नंबर एक, जो इन्होंने कहा है कि पैन कार्ड धारक किसानों की फसल को खरीद सकता है, फसल जब खरीदेगा जो मंडियों में आड़ती बैठे हैं वो क्या करेंगे। दूसरा, जो एक करार इन्होंने किया है कि किसान जब अपनी फसल करता है तो ऋण लेता है, उस ऋण में करार है किसान घाटा होता है या नुकसान होता है वो देखे बात की बात है। उसके साथ साथ जो ऋण देता है किसान को, किसान पानी लगाने के लिए लेता है, खाद के लिए लेता है, कीटनाशक लगाने के लिए फसल में लेता है, उसके साथ साथ जो फसल पैदा होगी उसमें करार है कि वो अपनी मनमाफी दामों में नहीं बेच पाएगा। जो मैक्सिमम सेल प्राइस होता है, समर्थन मूल्य जो होता है, वो किसान को नहीं मिलेगा। इससे किसान, जो किसान की हालत वैसे इस टाइम बहुत बद स्तर हालात पर है, ख़राब हालत पर है, उससे और ख़राब हो जाएगी। बस यही 3 मुद्दे पर हम लोग खुलकर विरोध करते हैं कि ये जो अध्यक्ष केंद्र सरकार ने लिए पारित करे हैं, इसका हम खुलकर विरोध करते हैं, ये अध्यक्ष वापस लें और आगे भी इस विरोध का हम जारी रखेंगे। राष्ट्रपति जी को हमने डीएम एसडीएम जी के माध्यम से परिचित किया है, आश्वासन दिया है, अब देखिए आगे आश्वासन क्या मिलता है। और अगर इससे कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, हम इस तरह से आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इतनी लड़ाई लड़ने को हम मजबूर हो जाए। सर्वेश पाठक, हम ये कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश पास किए हैं, इनका हम राष्ट्रीय लोकदल जमकर विरोध करता है। अगर ये अध्यादेश वापस नहीं हुए तो हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले लड़ेंगे, और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि ये अध्यादेश वापस नहीं हो जाते हैं।